हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई अभी बज रहे सुबह के 8। मैं उठ गया था 7 ही बजे, लेकिन अभी नहाया नहीं हूँ, सिर्फ समझ लो कि उठ के फ्रेश हुआ हूँ। और अभी देखो ये क्या, ये चाय निकाल रही है और मम्मी अपने मजदूरों वाले काम पे लग गई है। मम्मी आजकल सुबह से शाम तक इसमें ही लगी हुई है। कितना निपटा हो मम्मी? तो गाइज लगभग आधा पूरा हो गया है, मतलब आधे में अगर 4 महीने गया है तो बाकी आधे में 4 महीना और पकड़ लो। लेकिन अच्छा लगने लगा है, अभी मस्त लग रहा है। तो भाई मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन लेट जाना है, मुझे सिर्फ 2 मीटिंग है उसके लिए जाना है। तो अभी मेरे ना सारे कपड़े जो है ना ख़त्म हो गए हैं, तो सारे के सारे प्रेस करने पड़ेंगे। तो अभी फटाफट मैं जाता हूँ, पहले चाय पीता हूँ, फिर उसके बाद नहाता धोता हूँ और फिर कपड़े प्रेस करने बैठता हूँ। तो पहले चलो चाय पी के फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई आज सुबह सुबह देखो बालाजी भेल के साथ और क्रैक जैक बिस्किट के साथ अपना चाय, चलो ख़त्म करते हैं इसको। तो भाई चाय नाश्ता करके हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और अभी बज रहे 9:15, तो 1 घंटे वापस से नहाने में, मतलब 10 बजे निकल के आता हूँ। और यहाँ पर स्पीकर चालू हो गया है, देखा, सुबह सुबह काम यही होता है भाई, स्पीकर चालू हो जाएगा और फिर घर का पूरा काम होते रहता है। तो ऐसे भगवान का सॉन्ग लगता है, लेकिन मैंने लगा दिया है फिल्मी सॉन्ग। चलो नहा धो के फिर मिलता हूँ। तो भाई देखो सुबह सुबह इन लोग का चालू हो गया। मुंह में खाना कभी ना ठूसना, छोटे निवाले लेना बंद मुंह से चबाना। मुंह में खाना कभी ना ठूसना, छोटे निवाले लेना बंद मुंह से चबाना। तो भाई नहा धो के तो मैं तैयार हो गया था, तब तक वो बच्चे लोग अपना काम करने लगे तो उनको देखने में बैठ जाते। उनका दिन का शुरुआत ही यहाँ से होता है, सुबह उठेंगे और चालू हो जाएगा उनका काम। तो अभी देखो भाई यहाँ पे कपड़े पूरे जो ऊपर रखे हैं ना वो सब निकाल के फिर प्रेस करना है। तो चलो पहले इसको निकालते हैं। गाइस देखो मेरे को ना इतना सारा जो है कपड़ा वो प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 शर्ट है और 2 पैंट है, और साथ में इसको भी प्रेस करना है। प्रेस कर दी तो है? हाँ, मुँह देखो चोर, ये बंदर कार्टून देख देख के ना इसका मुंह देखो बंदर ऐसा बनने लगा है, बहुत मस्ती कर रहा है यार। स्टार्ट करता हूँ इसको क्योंकि जो मुझे अभी मतलब 12 बजे ऑफिस के लिए जाना है, तो अब भी बज रहे हैं लगभग 10:45। तो मैं फटाफट इसको आधे आधे पौने घंटे में इसको ख़त्म करता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्योंकि मेरी मीटिंग जो है वो दोपहर को है 2, और फिर मैं आ भी जाऊँगा 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। क्योंकि मेन मुझे एग्जैक्टली मेन ऑफिस नहीं जाना है, जो नियर बाय बाडोली करके जगह है वहाँ पे जाना है। तो वहाँ से क्या है कि मेरे घर से 10-15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और ये देखो दिन भर कुछ ना कुछ, दिन भर पाउडर चपोरते रहती है भाई, दिन भर मेरे घर का पाउडर पूरा ख़त्म हो गया है चपोर चपोर के। तो यार चलो स्टार्ट करता हूँ पहले अपना काम। तो गाइस देखो यहाँ पर ना मेरा सारा प्रेस करके हो गया कपड़ा। ये जो है ये सब मेरा है और ये पैंट मेरा है, और पापा का जो था वो तीनों पापा फोल्ड करके रखने के लिए मना करते भाई, तो इनका ऐसे टांग दूंगा। तो ये सब करने में भाई मुझे 1 घंटे पूरे चले गए। तो अभी गाइज मैं अभी फटाफट तैयार होता हूँ और निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया और पहुँचते पहुँचते भी थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं चलो निकलता हूँ ऑफिस और डायरेक्टली अब आपको मिलूँगा मैं शाम को, ठीक है, आने के बाद। तो चलो मिलता हूँ शाम को। तो गाइज मैं आ गया हूँ ऑफिस से, मतलब आ गया था आधे घंटे पहले, लेकिन अभी हो रहा है लगभग 6 बज रहा है। तो मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गया, मतलब यार एकदम थकावट जैसी लगी हुई थी। और इसको देखो ये क्या कर रही है, यहाँ पे बाल झाड़ रही है भाई, कुछ काम धंधा करा, दिन भर बाल झाड़ रहा था।
क्या काम है? एक काम है मतलब है भाई, एक काम है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इन लोग क्या कर रहे हैं। मम्मी और गोलू तो मोबाइल देख रहे हैं। मुंह देखो इसका, तो बंदर बंदर देख रहा है। और भाई एक और चीज़ हो गया, यहाँ पे देखो नारियल हुआ करता था और नारियल गायब हो गया। तो मैं गया था ऑफिस से, यहाँ पे पापा आए थे दोपहर को, तो फिर पापा ने देखो इसको नारियल को यहाँ पे गमले में लगा दिया। पापा बोले कि वो बार बार टेढ़ा होते जा रहे हैं, अब गमले में इसको ज़रूरत है। तो भाई ये बहुत अच्छा हो गया कि गमले में लग गया, क्योंकि इसके पहले जो नारियल था ना वो काफ़ी बड़ा हो गया था जब उसको गमले में लगाया था। तो गमले में ही नहीं भाई, वो बाल्टी में लगा हुआ था। तो फिर उसको पापा के दोस्त के यहाँ दे दिया, तो उनके यहाँ जगह थी तो वहाँ पे उन्होंने अपने घर के सामने उसको लगा दिया। लेकिन इस बार मैं नहीं दूंगा, इस बार अपने सामने जो मंदिर है ना वहाँ पे ही मैं लगाऊंगा। तो चलो भाई मैं कुछ चाय पानी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर मैं आप सबको एक नई टेक्निक बताता हूँ पटाखे फोड़ने के लिए। तो ये हमारा हथियार, इसको ऐसा पकड़ के दिखा भाई बस। तो गाइज अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी मुझे और बीसु को हमने सोचा कि हम लोग प्लान बनाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो फिर बाद में हम लोग ना सोचे कि आज खाने में नूडल्स बनाते हैं हम लोग। तो अभी नूडल्स के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। सारी सामान तो है नहीं, लेकिन पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची वगैरह तो है, तो बस इतना ही जितना है उतना ही डाल के उसको बनाते हैं। कि पापा को पसंद नहीं है नूडल्स, तो पापा के लिए थोड़ा सा चावल एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और उनके लिए दोपहर की भाजी है तो उसके साथ पापा खा लेंगे, क्योंकि दोपहर को बनी थी पूरी तो पापा खा के गए थे, तो अभी चावल के साथ खा लेंगे। तो मैं, बीसु और मम्मी, हम तीनों अपने लिए नूडल्स बनाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग को चल जाता है लेकिन पापा को नहीं चलता है। तो चलो पहले मैं जाता हूँ नीचे से दुकान पे से सब मसाले वगैरह लेके आता हूँ, और फिर यहाँ पे कटिंग वगैरह सब चालू करता हूँ। तो गाइस सामान लेने के लिए आया था, ले लिया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सोचा कि आ गया हूँ नीचे तो इसके साथ वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर ऊपर रहता हूँ लेकिन मैं जब भी नीचे आता हूँ तो ये मिल जाता है मुझे, एकदम नाकारा घूमते रहता है ना इसके लिए, तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पापा रिक्शा अपना धो रहे हैं शाम के टाइम, पाइप लगा हुआ था तो पाइप से। देखो हमारी रिक्शा इतनी पुरानी है फिर भी चमकते रहती है। पापा को चलो साफ करने दो फिर। तो गाइज अभी ना मैं तैयार हो रहा, मतलब मैं जा रहा था नूडल्स बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्लान जो है चेंज हो गया, तो सब मसाले वगैरह लेके आ गया मैं नीचे। लेकिन अभी पता चला कि अंगेश है ना अपने नीचे, जो किशन है उसके घर में अंगेश रहता है, तो अंगेश की वाइफ का आज मतलब जैसे गोद भराई टाइप में होता है ना, तो जैसे छेक छका हुआ बोलते हैं वैसा होगा हमारे में। तो हम 5-6 आदमी जाएंगे और वहाँ पे जाके करके आएंगे। तो बताओ भाई, बज रहे 7:45, तो अभी उन्होंने बोला कि 8:30 बजे शाम को, क्योंकि सब काम पे से आ गए और उनके घर पे भी सब तैयारी हो गई। आज कुछ मुहूर्त अच्छा है, एक्चुअल में कल का प्लानिंग था लेकिन बाद में उनको क्लिक हुआ कि कल जो था ग्रहण है, तो कल ग्रहण में ये सब काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट तैयार होने, और तैयार होके मैं और सत्यम ऐसे ऐसे करके पापा सब लोग 5-6 लोग जाएंगे, तो तब तक गाड़ी आ जाएगी फिर उसमें निकलते हैं हम लोग। चलो मैं तैयार होता हूँ, और जो नूडल्स वाला प्लान है भाई कैंसिल हो गया वो कल के लिए। तो अभी मम्मी बोली कि एक काम करती हूँ मैं, जो चावल थोड़ा बना के रखा हुआ उसको फ्राई कर देती हूँ और फिर आके खाएंगे पियेंगे, या फिर वहाँ पे नाश्ता वगैरह हो जाएगा। ठीक है तो चलो तैयार होता पहले। तो देखो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ अपने नए लुक के साथ, कैसा लग रहा हो बताना मुझे। ये नए जॉइन है भाई, इसमें अलग से नहीं है, ये वेस्टकोट तो कुछ ज़्यादा ही फिट होने लगा है थोड़ा, ये थोड़ा सा ही पुराना है लेकिन ठीक है, तो बताना मुझे ज़रूर कि कैसा लग रहा है। तो गाइज चलो नीचे चलते हैं, मुझे देख के कोई जल रहा है, इसको जलन हो रही है कि मैं इतना सज धज के जा रहा हूँ। तो सच धज के जाना है क्योंकि आन के दुआरे जाएगी भैया, वहाँ जाएके अंगेश का ससुरारी जाएके बैठे थे, यहीं भी था सच धज के जाते हैं हम जानू। हाँ देखो यहाँ पे किशन तैयार है और हम लोग इससे जाने वाले भाई अपनी स्विफ्ट। Yeah.
देखो हम लोग यहाँ पे अंधेरे में सब लोग निकल रहे भाई। देखो हम लोग पीछे पीछे इतने सारे लोग जा रहे, एक आँख छुप के बैठा है। तो गाइज हम लोग सब लोग पहुंच चुके हैं, पांच लोग। यहाँ पे हमको आना था, सोसाइटी अच्छी है भाई। तो अभी थोड़ा टाइम बैठते हैं और फिर सीधा हम लोग अंदर जाएंगे, अपना जो भी काम है उसको पूरा करेंगे। मतलब हम लोग पांच बच्चे बच्चे आए हैं, तो ये अपने में जो बोलते हैं ना गांव में कि रक्षा बांधने वाला काम होता है, तो रक्षा बांध के लड़की को जो है वो छेक लेते हैं, तो वो काम हो रहा है। इंगेजमेंट वगैरह ये सब जो होगी ना भाई बाद में होगी, इंगेजमेंट और शादी जो है वो नेक्स्ट मंथ में है, तो अभी के लिए फ़िलहाल यही काम है। तो देखो यहाँ पे भाई सोसाइटी में मंदिर वंदिर है, स्वामी समर्थ है ना भाई। अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके लिए हम लोग थोड़े टाइम के लिए ऐसे बाहर बैठे, अंदर वहाँ पे तैयारी वगैरह चालू है, तो इसके लिए और थोड़ा बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। इनका ये भाई पूरा ये यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये पूरा जितना है ना दोनों साइड का घर ये इनका ही है, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरी गली का यूज कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा स्वागत करने के लिए ये भी आया हुआ है, क्या नाम है, शेरू भाई। शेरू है, अभी छोटा ही है, कितने महीने का है, छः महीने का नहीं है भाई, तीन उन महीने का दिख रहा है। तो कितना देखो क्यूट है। यहाँ पे किसी का बर्थडे था, इसका ही लगता है बर्थडे था ना। हम लोग को थोड़ा केक और नमकीन मिल गया, तब तक बैठे बैठे टाइम पास करो, टाइम पास कर रहे हैं ना, करते रहे। सब इधर रख दो ना, अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर देखो अपना रक्षाबंधन हो गया है, जो था वो अभी चला गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो ये दोनों भुक्कड़ लोग को नाश्ता आते ही टूट पड़े इन लोग भाई, ये 15वां मिर्ची खा रहे हैं। और आज अमित जो है ना ससुराल आया हुआ है, इसके लिए वो शांति से बैठा हुआ है। अमित बेचारा कुछ खा पी नहीं रहा है ना, उसका नीराजली व्रत है, तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको लेके आए। तो भाई हमारे खाते खाते ना नई वेराइटी की मिर्ची आ गई, पहली वाली वेराइटी ख़त्म कर दिया हमने, तीन वेराइटी खा चुका है भाई ये, जलता हुआ खा रहा है, चौथी है। तो गाइस जो है ना कार्यक्रम ये सब ख़त्म हो गया, और अभी बज रहे हैं लगभग 9:45। तो यहाँ पे थोड़े कुत्ते हैं ना, रात ज़्यादा हो गई है ना, इसके लिए सब लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हमारे ऊपर। तो 9:45 हो चुका है भाई, तो अभी हम लोग ना थोड़े टाइम में मतलब 10 मिनट में निकलेंगे। तो हम लोग ना नाश्ता कर करके ना हम लोग का पेट एकदम बोलते हैं ना ऐसा फूल गया है। तो नाश्ता करने वाले सिर्फ हम तीन ही थे, मैं, किसान और सत्यम, और बाकी किसी ने नहीं। इसका देखो भाई जो शर्ट, और अब भी मैं आपको बता दूं कि अब वापस जाते हो कार तो हमें मिल गई है, लेकिन ड्राइव वे करेगा, तो बहुत रिस्की वाला थोड़ा काम है कि मेरा इंश्योरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे सत्यम का इंश्योरेंस नहीं है, और बाकी मेरा एकदम फुल इंश्योरेंस है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत कम है, लेकिन बाकी सबको टेंशन थोड़ा ज़्यादा है। हम कार से कूद जाएंगे। तो भाई अभी निकलेंगे हम लोग 10-15 मिनट में, बाकी सब यार नाश्ता पानी हो गया। जो लड़के को मैंने देखा ना अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग कहीं जब जाते हैं ना भाई, एक तो ज़्यादा लोग होते तो बात अलग थी, हम लोग 4-5 लोग थे ना, तो उसमें हम सबका ध्यान हमारी तरफ था, तो मैं ऐसा बहुत दिखाना नहीं चाहता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ी शर्म जैसे आ गई। तो बाकी बाद में अभी घर पे चलता हूँ तब बताऊँगा आपको। तो ड्राइविंग अभी किशन कर रहा है। तो हम लोग बहुत ही बड़े रिस्क के साथ किशन के गाड़ी में बैठे हुए हैं। वैसे तो किशन को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन टेम्पो का आराम से ब्रेकर वाले रोज रोड पे आ रहा है, अड्डा वाली प्रॉब्लम ये सब सुन के बैठे नारे तेरे काम के यहाँ रोज पूछ रहे करते हो काम के ये सारे पूछ के अरे बैंक
कार को हमने अंदर ही पार्क कर दिया अपने पार्किंग में। यहाँ पे अपनी पार्किंग है, मतलब ये भी अपनी ही है, तो अंदर रहेगा तो थोड़ा सेफ्टी। तो चलो यार अपने बिल्डिंग में पहुँच चुके और अभी हो रहा है 10:35। चलो फटाफट अभी घर पे जाते हैं और कुछ आराम करते हैं। चलो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए और अभी बज रहे लगभग 10:40। तो गाड़ी अंदर पार्क कर दी क्योंकि जिसकी कार थी ना उसने बोला कि लेके जाओ आप शाम, अभी डायरेक्ट सुबह दे देना। तो किशन बड़े रिस्क से के साथ में हम लोग उसकी गाड़ी पे आए। तो ये हम लोग गए हुए थे ना माकन गांव करके था, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो लड़की वाले जो थे वही रहते थे। तो आज ना देखो बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम नहीं था, हम लोग सिर्फ 5 लोग गए थे अपना जो रक्षा माना जाता है लड़की को। तो मैंने ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो कुछ बनाया नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एक वीडियो बनाया था। तो क्या हुआ था कि कहीं और जाओ दूसरे के घर तो थोड़ा संकोच जैसा लगता है, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो बनाया नहीं। तो गाइस साथ में ना एक और चीज़ है कि मैंने ना अपना जो सिम कार्ड था उसको मैंने पोर्ट कराया हुआ था। तो सिम कार्ड जो पोर्ट हुआ उसके बाद मुझे देखो एक गिफ्ट मिला है। तो जो पोर्टेबिलिटी जो कराते हैं ना तो उसके साथ में एक गिफ्ट मिलता है। तो क्या है मैं बताता हूँ, ए मिला है भाई, तो ये कुछ काम की चीज़ मिल गई। सिम कार्ड पोर्ट कराने पर ऐसा मिल रहा है यार। मैंने ना वहाँ पर तो बहुत सारा नाश्ता कर लिया था और अभी बीसू और मम्मी ने खाना नहीं खाया है। तो बना प्लान तो था नूडल्स बनाने का, लेकिन फिर अचानक मैं वहाँ जाना पड़ गया तो वहाँ पे नाश्ता पानी होके ना पेट भर चुका है। तो थोड़ा बहुत मैं खाना खाऊंगा। तो चलो यार अभी ना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल मॉर्निंग। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।